Hello everyone and welcome back to the class. So we were talking about the chapter that was fiber to fabric. So fiber से fabric बनाया जाता है, right? सबसे पहले हम समझेंगे कि फैब्रिक क्या होता है, तभी हम समझेंगे कि फाइबर क्या होता है. सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फैब्रिक वी विल डू एन एक्टिविटी. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पीस लेंगे फैब्रिक का एंड इफ वी जूम इनटू इट आपको उसमें काफ़ी सारे थ्रेड्स के पैटर्न्स नज़र आएंगे, राइट? सो इससे ये पता चलता है कि जो फैब्रिक है वो किससे बना हुआ है, इन थ्रेड्स से. सो जब हम इस पैटर्न को क्लोजली नोटिस करें तो हमें पता चलेगा कि थ्रेड्स का जो है एक यूनिफॉर्म पैटर्न है, दैट इज कि इसमें कोई चेंज नहीं है. सो ऐसे जो है एक फैब्रिक बनाया जाता है. सो बेसिकली अ फैब्रिक इज अ पीस ऑफ क्लोथ that is made by weaving or knitting the yarn or the threads to form a piece that is known as fabric. So उसे हम fabric कहते हैं. So जब हम इन threads को pull out करें तो उसमें हमें काफ़ी सारे tiny threads नज़र आएंगे. So if we pull out these threads और इनको unwind करें सो इसमें से आपको 2 या उससे ज़्यादा टाइनी थ्रेड्स नज़र आएंगे. सो दे आर बेसिकली द फाइबर. सो फाइबर से जो है हम थ्रेड बनाते हैं. सो फैब्रिक इज बेसिकली मेड फ्रॉम द थ्रेड्स दैट इज मेड फ्रॉम फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल आपने कभी घर में देखा होगा कॉटन विक्स बनाते हुए अपनी मदर को या ग्रैंड मदर को या फिर दिवाली के टाइम, राइट? सो वो विक्स कैसे बनाई जाती है, यू नीड अ कॉटन रोल. सो एक कॉटन का रोल आपको चाहिए होता है उसके लिए एंड यू पुल द पीसेस फ्रॉम द रोल. सो उस रोल में से जब आप पीसेस निकालते हो उसको स्प्रेड करते हो और उसको वाइंड करना स्टार्ट करते हो, दैट मीन्स स्पिन करते हो, तो उससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, राइट? सो ऐसे ही जो है मशीन्स की हेल्प से कॉटन रोल्स को एक थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस इज हाउ अ फैब्रिक इज मेड. सो अबाउट फाइबर वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास.